हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी। टीजीटी फेज फर्स्ट और सेकंड का इंटरव्यू हो चुका है और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। और पीजीटी फेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का ही इंटरव्यू ये हो चुका है और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। कुछ सब्जेक्ट फेज थर्ड का जो इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें इंग्लिश, साइंस और भी सब्जेक्ट हैं, उनका इंटरव्यू अभी चल रहा है, वो 5 अप्रैल तक चलेंगे। और साथ में कुछ विषय रह गए हैं जिनका इंटरव्यू अभी होना है, और वो विषय रह गए हैं, एक तो हिंदी है, संस्कृत है और ड्राइंग है। 11 सब्जेक्ट और भी है जिनके इंटरव्यू अभी होने बाकी रह गए हैं। तो जो अभ्यर्थियों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनके आगे क्या प्रक्रिया होगी, यहाँ हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में यही बताएंगे कि जो कैंडिडेट SC VC के हैं और उन्होंने जनरल में फाइट की है, तो क्या उनको कॉलेज च्वाइस के लिए क्या करना होगा, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पर हम एक अभियान भी चला रहे हैं कि जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, वो कम से कम एक बुक जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे नए अभ्यर्थी और जो अभ्यर्थी असफल हुए उनको इसमें हेल्प मिल सके। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले सभी सफल अभ्यर्थियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद कि आपकी जो है ज्वाइनिंग बहुत अच्छे से और समय से हो जाए, और लगता है कि ये ज्वाइनिंग आपकी जो है नए सत्र तक हो जानी चाहिए। सभी सफल अभ्यर्थियों से विनम्र अनुरोध है कि इस अभियान में भाग लेकर असफल अभ्यर्थियों एवं नए अभ्यर्थियों की मदद करने का कष्ट करें। ये मदद आपकी एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप किसी की बेरोजगार की हेल्प करते हैं और आपकी वजह से उसका सिलेक्शन होता है, तो वो आपको लाइफ टाइम याद रखेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कामयाब हो गए हैं तो किन बुक से पढ़ के आप कामयाब हुए हैं, कृपया शेयर करने का कष्ट करें। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको बताना है कि आपका विषय क्या है, TGT अथवा PGT, दोनों में से जो इसका भी हो वो आप यहाँ पर TGT अथवा PGT लिख दें, ठीक है। उसके बाद जिस बुक से कम एक बुक तो ज़रूर बता दें। सारी बुक अगर नहीं बता पाते हैं तो आपसे अनुरोध है कम से कम एक बुक बता दें कि उसका लेखक कौन है और पब्लिकेशन क्या है, और वो बुक ऑनलाइन मिलेगी या ऑफलाइन मिलेगी या किस बुक सेलर पे मिल सकती है, आप उस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या मंडल का नाम बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे। जनरल में चयन होने वाले SC BC के अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज च्वाइस। अब देखिए, इस पर काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी असमंजस में है कि जब हमने कहते काउंसलिंग लेटर डाउनलोड किया था, इंटरव्यू लेटर डाउनलोड किया था, तो उस समय हमें मौका नहीं दिया गया था SC BC वालों को जनरल कॉलेज भरने का। तो क्या अब हमें, क्योंकि अब हमारी जो नियुक्ति है, हम SC BC में आते हैं, नियुक्ति हमारी जनरल में हुई है, तो क्या अब हमें वही जनरल के कॉलेज मिलेंगे या SC BC के कॉलेज मिलेंगे, या ऐसा होगा कि हमें दोबारा मौका मिलेगा जनरल कॉलेज में चॉइस करने का। तो यहाँ पर हम बता दें कि अब से पहले क्या होता था, जब SC BC वाले का जनरल में सिलेक्शन होता था तो उसे जनरल में ही ज्वाइन करना पड़ता था और उसे चयन बोर्ड के मन के मुताबिक वो कॉलेज मिलता था। इसमें अभ्यर्थी की चॉइस नहीं पूछी जाती थी और उसे मजबूरन वहाँ उस कॉलेज में जाके ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2013 में अभ्यर्थियों को कोर्ट द्वारा ये निर्देश मिला था, यह सुविधा मिली थी कि उन्हें दोबारा मौका दिया गया था कॉलेज च्वाइस के लिए। तो आपके उसी आधार पर मुझे लगता है कि जिन SC BC कैंडिडेट का जनरल में चयन हुआ है, चयन तो आपका जनरल में ही होगा, लेकिन चूंकि आपको मौका नहीं मिला था पहले कॉलेज च्वाइस के लिए, तो अब आपको एक मौका और दिया जा सकता है, जिससे आप उसमें जो भी च्वाइस आप अपनी फिल कर सकते हैं। वो मौका आपको ऑफलाइन भी दिया जा सकता है और ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनल पैनल एवं अवशेष पैनल। अब देखिए, इसमें काफ़ी असमंजस हैं, जैसे कि जितनी सीटें हैं मैथ की, तो उससे कुछ ज़्यादा कैंडिडेट उस फाइनल लिस्ट में हैं, और जो फाइनल लिस्ट में है उनकी पहचान ये है कि सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, और फिर नाम, ठीक है, और फिर कैटेगरी। तो कैटेगरी जिनके आगे नहीं लिखी, यानी कि वो कॉलम खाली है, तो वो जो बच्चे हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है, या ऐसे हैं जिनकी जो सीट है वो कुछ ज़्यादा है, यानी कि सीट कम हो, उस समय तो विज्ञापन में उतनी सीट थी जितने अभ्यर्थी हैं, लेकिन अब सीट वो कम हो गई हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश के अनुसार सीटें कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन
वहाँ पर कॉलेज में उस जगह कहते हैं ट्रांसफ़र होके या प्रमोशन होके सीट भरने के कारण वो सीट जो है यानी कि जो वैकेंसी है वो कम हो जाती है। तो अब वो करते क्या है, तो ऐसे कैंडिडेट को वो बुलाएंगे, सभी को जितनी वैकेंसी जितने विज्ञापन में दी थी उन्होंने सीटें इतने को बुलाएंगे, लेकिन कुछ के आगे कैटेगरी नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग जो है वो वेटिंग में है। तो उनकी ज्वाइनिंग तब होगी जब जो उनका फाइनल पैनल आ गया है, जिनका नाम आगे है, पहले उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर उसमें कुछ ज्वाइनिंग नहीं करती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तब जो उनकी आगे कैटेगरी नहीं लगी है उनको मौका दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कॉलेज खाली रह जाते हैं यानी सीटें खाली रह जाती हैं, तो दोबारा वेटिंग लिस्ट आउट होगी और फिर उसकी दोबारा काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, तो वही अवशेष पैनल कहलाता है। यहाँ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि अभी जो रिजल्ट आउट हुआ है वो फाइनल पैनल नहीं है। तो फाइनल क्योंकि अभी इस पैनल में जो है, एक तो आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, ठीक है, तो कॉलेज अलाउड नहीं है कि आपको किस कॉलेज में ज्वाइनिंग हुई है। तो जो फाइनल पैनल होगा तो उसमें सबसे पहले आपका रैंक दी होगी, उसके बाद आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपके पिताश्री का नाम होगा, और उसके बाद जिस कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग होनी है उस कॉलेज का नाम लिखा होगा, ठीक है, और आगे उसकी कैटेगरी लिखी होगी। साथ में चयन बोर्ड स्कोर कार्ड भी जारी करेगा। स्कोर कार्ड में आपका जो है पूरा लिखा हुआ भी हो रहा कि थ्योरी में आपके कितने नंबर थे और इंटरव्यू में आपके कितने नंबर थे और आप किस रैंक में थे। तो ये स्कोर कार्ड और फाइनल पैनल दोनों चयन बोर्ड अभी बाद में, अब शीघ्र ही मुझे लगता है जल्द ही इसको आउट कर देगा, लेकिन उससे पहले जो है मुझे लगता है कि एससी वीसी वाले जिनका जनरल में चयन हुआ है उनको कॉलेज चॉइस के लिए बुलाएगा या ऑनलाइन करवाएगा। अब नेक्स्ट है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फाइनल पैनल का वेरिफिकेशन एवं आवंटित विद्यालय को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश। देखिए ये क्या है, जब आपका फाइनल पैनल आ जाएगा यानी कि उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, आपकी रैंक क्या है, आपके कितना स्कोर कार्ड क्या है, यानी पूरी डिटेल जब आपको मालूम हो जाएगी, तो चयन बोर्ड से जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ का जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, कार्यालय होता है, जो इन सब विद्यालय को देख रेख करता है, तो वहाँ पर उन सब की लिस्ट जाएगी, और लिस्ट जाने के बाद यानी कि पैनल जाएगा, जिसे हम पैनल बोलते हैं, वो उस जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक क्या करेगा, उस पैनल को दोबारा चयन बोर्ड को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, क्योंकि ये ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में कुछ फर्जी ना हो, यानी कि जो पैनल है वो फर्जी ना हो, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चयन बोर्ड को भेजता है। और जब वो वेरिफिकेशन होकर वापस आ जाता है तो DIS यानी जिला विद्यालय निरीक्षक कैंडिडेट को और उस कॉलेज को जहां पर आपकी नियुक्ति हुई है एक पत्र देता है, एक लेटर देता है, और जो लेटर देता है वो इस प्रकार का होता है जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इस प्रकार का लेटर वो आपको भी देगा और उस कॉलेज को भी भेजेगा जहाँ आपकी नियुक्ति होनी है। तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, ये एक ही लेटर है, इसको मैंने थोड़ा जिससे पढ़ने में आ जाए इसको तीन भागों में बांट दिया है। तो आप इस तरह का कुछ होगा, थोड़ी लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन इस तरह का होगा। देखिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ आपको पहले से ही रेडी करके रखनी पड़ेगी, इसको आप पढ़ लें पूरे अच्छे से, ठीक है। और इसमें देखो ये जो मिलेगा एक लेटर आपको भेजा जाएगा जहाँ ये लिखा है, सिर्फ यहाँ पर आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, ठीक है, और उस कॉलेज को भी भेजा जाएगा जिस कॉलेज में आपकी नियुक्ति होनी है। और यहाँ पर लिखा होगा क्रम संख्या, आपका रोल नंबर लिखा होगा, अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा, किस कैटेगरी में हुआ आपका जो है ज्वाइनिंग, ये लिखा होगा, विषय लिखा होगा, और उस कॉलेज का नाम लिखा होगा। तो ये लेटर आपके पास DIS के द्वारा आपके घर पर जाएगा। और अगर आपके पास ये लेटर नहीं आता है, आप वेट करिए और पता चल जाए कि और अभ्यर्थियों का लेटर आ गया है लेकिन आपका नहीं आया है, तो आप उस संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक में जाके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि हमारा पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक में आया है या नहीं आया। अगर आया है तो उसका लेटर हमें कब मिलेगा, तो ये आप जानकारी ले सकते हैं। अगर और जिलों में ये लेटर मिल चुका है और अभ्यर्थियों को और आपको नहीं मिला है, तो आप जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस जाकर इस बात की जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही जिला विद्यालय निरीक्षक का जो लेटर है आपको मिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही लेटर जिला विद्यालय निरीक्षक उस कॉलेज को जहाँ पे आपकी नियुक्ति होनी है वहाँ भी भेजता है, और आपको वो पत्र लेकर कॉलेज में जाना होता है। जैसे ही आप कॉलेज में वो पत्र लेकर, लेटर लेकर, DIS का लेटर लेकर कॉलेज में पहुँचते हैं,
तो प्रबंध समिति एक प्रस्ताव पारित करती है, यानी एक मीटिंग उनकी होती है, और उस मीटिंग में के बाद मैनेजर, वहाँ के विद्यालय का मैनेजर आपको नियुक्ति पत्र देता है। और जो नियुक्ति पत्र देता है आपको, वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसका डिजाइन कुछ अलग हो सकता है लेकिन कुछ इस टाइप का होता है। ये नियुक्ति पत्र आपको बाई हैंड भी दिया जा सकता है और आपके घर पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो इसे भी आप और वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ये कुछ इस तरह का लेटर होता है। और ये बता दें कि प्रारंभ में जो नियुक्ति होती है वो परीक्षा काल में होती है, यानी कि एक वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। प्रारंभ में आप एक वर्ष तक कच्चे रहते हैं तो उसे परीक्षा काल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा भी है। और दूसरी बात, आपको जो है वो 10 दिन के अंदर, देखिए 10 दिन के अंदर प्रधान ये कार्यभार ग्रहण करना पड़ता है। अगर आप 10 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो मैनेजर आपको दोबारा लेटर जारी करेगा। तो इस प्रकार से 3 बार आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। अगर आप 3री बार में भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो कॉलेज उस व्यक्ति उस पद को निरस्त कर देता है और फिर उसका अध्याचन द्वारा जो है चयन बोर्ड को भेज देता है। तो 3 मौके आपको देता है। आप कोशिश करें कि पहली बार ही जैसे 10 दिन का समय दिया जाए, तुरंत कार्यभार ग्रहण कर लें, फिर दूसरे का इंतजार ना करें। तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस टाइप का कुछ होगा, ये लैंग्वेज थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा लेकिन आप कोशिश कर लें। क्या ये मैंने बोल ही दिया जो जो बातें इसमें लिखी हैं। अब देखिए नेक्स्ट है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आप उस ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। वो एप्लीकेशन जो लिखनी होती है आपको प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिखनी होगी, लेकिन द्वारा प्रधानाचार्य की होगी। तो उसमें आपको लिखना होगा कि इसमें आप पढ़ लीजिए इसे कि मेरा निवेदन है कि मेरी नियुक्ति आपके पत्रांक इतने के अनुसार, जो लेटर मिलेगा आपको उस पर पत्रांक लिखा होगा इतने के द्वारा स्नातक वेतन क्रम गणित जैसे जो भी आपका विषय है वो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह की लैंग्वेज कुछ होगी। आप लैंग्वेज इसको चेंज भी हो सकती है लेकिन जैसे ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसके आगे भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो आप यहाँ इसको ऐसे लिख के आप क्या करना होगा, आपको वहाँ पर उपस्थिति पंजिका होती है, वहाँ पर आपसे हस्ताक्षर कराए जाएंगे, ठीक है, और बाकी और कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो इसे आप वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लें। एक बार पुनः सबसे विनम्र अनुरोध है कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और उनसे अपेक्षा है कि जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं या जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी आपकी तरह सफल हों, इसके लिए एक किताब कम से कम बताने का कष्ट करें। ये आपका काफ़ी आभार होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।